मुझे वो औजार या टूल्स बहुत पसंद है जो रोजमर्रा की चीजों को ठीक करने के काम आए। सच में भले ही ये टूल सालों एक कोने में पड़े रहें, पर काम के वक्त बड़ी मदद करते हैं। ये देखिए, और अब मैं बन गया कारपेंटर। एक आरी मतलब सौ कारपेंटर का सच्चा दोस्त होता है। आज मैं आपको यही सौ बनाना सिखाऊंगा, जिसे आप अपने पास रखेंगे और जरूरत के वक्त इस्तेमाल भी करेंगे। और इसके लिए आपको चाहिए एक मोटा कार्डबोर्ड, कुछ इस तरह का। अब आगे देखिए कि क्या करना है। सबसे पहले एक मोटे से कार्डबोर्ड पर सौ का शेप बनाइए। पहले एक साइड पर, ध्यान रखिए कि इसका शेप थोड़ा कर्वी है। अरे भाई, स्पेशल सो है ना। आगे का हिस्सा बनाने के बाद इसका हैंडल बनाइए। शाबाश। अब इस साइड पर इसके दांत बनाइए। ये देखिए, कुछ इस तरह। दोस्तों, वैसे ही जैसे आप बादल बनाते हैं। ये तो हो गया, ड्राइंग का काम तो खत्म हो गया है। अब इसे बड़ी सावधानी से किसी बड़े की मदद से काट लीजिए। काटने के बाद ये कुछ ऐसा लगना चाहिए। देखिए अब ये कैसा लग रहा है। अब मैं आपको एक बड़ी काम की टिप देने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपको मोटे कार्डबोर्ड का टुकड़ा ना मिले, तो आप अपने किसी भी पतले कार्डबोर्ड पर टेप की मदद से आइसक्रीम स्टिक्स चिपका सकते हैं। इससे पेपर मैशे से कवर करते समय आपको सौ मुड़ेगा नहीं। अब थोड़ी देर के लिए हम अपने सौ को साइड में रख देते हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर मैशे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी न्यूज़पेपर, पानी और ग्लू की। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर के टुकड़ों को पानी में एक पूरे दिन के लिए सोखना होगा। और अब आगे देखिए क्या करना है। जब न्यूज़पेपर सारा पानी सोख ले, इसे छलनी से छान लें। फिर बोल में रखकर इसमें ग्लू मिलाएं। इसे तब तक हाथ से मिलाएं जब तक कि ये ठोस फॉर्म में ना आ जाए। ये कुछ इस तरह का लगना चाहिए। ये देखिए, आपका पेपर मैशे बिल्कुल तैयार है। इसे अपने सौ पर लगाएं और अपनी उंगलियों से इसे थोड़ा दबाएं, ताकि यह अच्छे से चिपक जाए। इस बात का ध्यान रखें कि पूरी सरफेस पर पेपर मैशे समानता से लगे, कहीं ज्यादा या कहीं कम ना हो। जब पूरा लग जाए तो आइसक्रीम स्टिक और थोड़े ग्लू से सरफेस को चिकना कर दें। इसे ऐसे लगाइए मानो आप पेंटिंग कर रहे हो। हमें ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ भी करना है, पर उससे पहले इस साइड को पूरी तरह सूखने दीजिए। पहले की तरह ही इस साइड पर भी काम करें। पहले अपनी उंगलियों से दबाएं और फिर आइसक्रीम स्टिक और ग्लू से सरफेस को चिकना कर दें। दोस्तों, हमारे सौ में अभी भी कुछ कमी है, क्या आप गेस कर सकते हैं? अरे, इसकी आंखें। तो पेपर मैशे से इसकी दो छोटी छोटी आंखें बनाइए और उसके बाद उसे यहाँ लगा दीजिए, हैंडल के ठीक नीचे। इन्हें भी स्मूथ कीजिए और फिर ग्लू से कवर कर दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आपने बाकी की सौ पर किया था। अब इसे सूखने देते हैं। जब ये सूख जाएगा तो ये कड़क और मजबूत हो जाएगा। अब आपके फ्रेंडली टूल को पूरा होने में बस एक आखिरी स्टेप बाकी है। तो ले आइए अपने रंग और भर दीजिए रंगों से अपने नए दोस्त को। हम शुरुआत करते हैं बॉडी को ग्रे कलर देकर। ये कलर धातु का होता है। इसकी आंखें होंगी सफेद और हैंडल के लिए हम लाल कलर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, लाल और ग्रे एक साथ कितने खिलकर आते हैं, है ना दोस्तों? ये मेरे फेवरेट कलर कॉम्बिनेशंस में से एक है। ब्लैक मार्कर से इसकी थोड़ी डिटेलिंग कीजिए। सबसे पहले मैं बनाऊंगा बड़ा सा हंसता हुआ मुंह। अब है आंखों की बारी। आखिर में हम मुंह की कुछ और बारीकियों पर काम करेंगे। अब ब्रश और सफेद पेंट से किनारों पर शाइन दीजिए, कुछ इस तरह से। अब ग्रे पेंट से हैंडल और आंखों की शेडिंग कीजिए, कुछ ऐसे। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? अरे, आप तो जानते ही हैं कि गुरु हीरो के साथ उसके चेले साइड की कहना कितना जरूरी है। इसलिए अब ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। दोस्तों, अब आपको सौ बनाना तो आ गया है, इसलिए आप बड़ी आसानी से दूसरे टूल भी बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे टूल बॉक्स में और कौन से फ्रेंडली औजार हैं। ये कौन है? अगर आपको कोई तोड़ने फोड़ने का काम करना हो तो इस क्यूट से हथौड़े को देखिए, ये आपके बहुत काम आएगा। और जरा इस पर भी नजर डालिए, ये मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर। अगर आपकी अपनी स्टोरी बुक्स के लिए कोई शेल्फ बनाना चाहते हो तो ये जनाब पेज कसने का काम बड़ी आसानी से कर देंगे। देखिए, ये घूम घूम कर सबको कस देते हैं। तो अब आप भी जो औजार चाहें वो बना सकते हैं और अपने काम में हमारे मजेदार दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं।